नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आइए देखते हैं कि समांतर श्रेणियां कैसी होती हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। जैसे ये हमें दिया हुआ है, एक, एक में एक जोड़ेंगे तो दो मिलेगा, दो में एक जोड़ेंगे तीन मिलेगा। ऐसे ही एक एक जोड़ते जाएंगे तो आपकी सूची बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार ये दूसरी सूची देखिए, इसमें क्या है, 100 में से 30 माइनस करेंगे, 30 घटाएंगे तो आपको 70 मिलेगा, 70 में फिर से 30 घटाएंगे तो 40 मिलेगा, इसी प्रकार 40 में से भी 30 घटाएंगे 10 मिलेगा, इसी प्रकार बाकी की सूचियां हैं। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, मतलब टर्म। सूची की हर एक संख्या को हम एक टर्म बोलेंगे। चलिए अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे आपको मैंने पीछे अभी उदाहरण दिखाई थी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, वो वाली, उसमें क्या था, उसमें निश्चित संख्या क्या थी, एक। और हर पद में एक, जब आप एक जोड़ते हो तो आपको नया पद मिलता है, है ना। और इस सारी सूची को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंत्र, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। ये जो निश्चित संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्वंत्र, सार्वंत्र धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये आप पीछे देख सकते हैं, जैसे पिछली उदाहरण में तीन 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 ऐसे करके दे रखा था, उसमें हमारा डी क्या था, डी मतलब सार्वंत्र क्या था, शून्य था। अगर हम एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और अनवे पद को AN तथा सार्वंत्र को डी से व्यक्त करें। यहाँ पे देखिए, हमने एपी के पहले पद को, मतलब पहली टर्म को A1 और दूसरी टर्म को A2 और nवे पद को हमने AN तथा सार्वंत्र को D से व्यक्त कर रहे हैं, तब AP क्या हो जाएगी हमारी, A1, A2, A3, AN तक हो जाएगी। अतः A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा AN माइनस AN माइनस 1, और ये सब किसके बराबर होगा, D के। ये कैसे होगा, आपको पता है कि जो जब सूची बनती है एपी की तो उसमें एक निश्चित संख्या, हर पद से एक निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं, तो वो निश्चित संख्या सबके लिए बराबर ही होगी। आप यह देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे A, A+D, A+2D, A+3D ऐसी संख्या अगर हम लें तो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। अब यहाँ पे देखिए आप, A2, ये हमारी A2 है, A2 क्या है, A+D, A1 क्या है, A+D में से A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, D, A+2D हमारी A3 है, इससे हम A2 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास D बचेगा। यहाँ पे क्या रह रहा है, तो हमारा सार्वंत्र बराबर रह रहा है, इसलिए ये AP है। AP की पहली कंडीशन यही होती है कि आपका सार्वंत्र बराबर होना चाहिए। आपके हर अगले पद को जब आप पिछले पद से घटाएंगे तो आपका सार्वंत्र हमेशा बराबर रहना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सूची आपके पास है वो एक एपी है या नहीं है। एक समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहां A पहला पद है और D सार्वंत्र है। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं, जनरल फॉर्म है ये एपी की। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो पहली सूची दी गई है A में, 1, 2, 3, 4, 50 तक है हमारे पास, और दूसरी सूची 4, 8, 12, 16, 40 तक है। अब यहाँ पे तो ये तो पहली जो मैं उदाहरण बताई थी वैसा ही है, और अब ये दूसरी को देखिए, यहाँ पे सार्वंत्र क्या है हमारा, 4। 4 में 4 जोड़ते हैं तो 8 मिल रहा है, 8 में 4 जोड़ते हैं 12 मिल रहा है, मतलब ये इसका सार्वंत्र 4 है। A2 माइनस A1 भी 4 आएगा, A3 माइनस A2 भी 4 आएगा,
इसी प्रकार सब चार आएंगे, सारा सार्वत्र चार है इसका। ऊपर लिखे उदाहरणों में पदों की संख्या परिमित है, फाइनाइट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण है इसमें हमने जितने भी पद लिखे हैं मतलब कहीं ना कहीं पे उनका अंत हो रहा है। जैसे पहली में आप देख सकते हैं ये 50 तक जा रहा है, मतलब पहली में कितने पद होंगे, टोटल 50 होंगे, और ये दूसरी में ये 40 तक जा रहा है, मतलब इसकी भी कोई ना कोई गिनती है। ऐसी एपी को एक परिमित एपी कहते हैं, मतलब जिसका कोई अंत है, जो फाइनाइट है। आप यह भी देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक एपी का एक अंतिम पद है, लास्ट टर्म, वही बोल रहे हैं ये कि मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इनकी लास्ट टर्म है, मतलब किसी न किसी संख्या पे आके ये सूची रुक रही है। और अगर यदि एपी इस प्रकार की हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, और हमें आगे पता ही नहीं है कि आगे क्या आएगा, बस ये चलती जा रही है और इसका हमें पता ही नहीं है कि कहाँ अंत होगा। या फिर जैसे ये है, यहाँ पे भी हमें नहीं दिखाया गया, लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, अंतिम पद। तो इस प्रकार की एपी को हम अपरिमित एपी कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। ऐसी एपी की अंतिम पद नहीं होती। चलिए अब यदि आपको पहला पद और सार्वत्र दे दिया जाए तो क्या आप एपी बना सकते हो? चलिए मान लीजिए आपको मैंने ए है यहाँ पे पहला पद मैंने आपको 800 दे दिया और सार्वत्र 50 दिया है। तो चलिए आप पहले खुद करके देखिए कि आपकी एपी क्या बनती है, थोड़ा वीडियो को रोक के आप समय ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि दिए गए सवाल में एपी की तीसरी, चौथी, पांचवी तथा अन्य संख्याओं को कैसे निकालेंगे। पहला पद है 800 और दूसरा 800 + 50 है, इसी तरह तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद, और उसमें हम जमा करेंगे सार्वत्र जो हमें 50 दिया हुआ था। तो ये जो तीसरा पद है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 800 + 3 - 3 से 1 घटाएं और गुणा कर दें 50 से, तब भी यही आएगा, इसका मतलब भी यही है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 900 के। इसी तरह चौथा पद निकाल लीजिए, पांचवा पद निकाल लीजिए और हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, और यही है आपके पिछले सवाल का उत्तर। चलिए देखते हैं कि एपी का एनवा पद कैसे प्राप्त होता है। प्रथम पद ए और सार्वत्र डी वाली एक एपी का एनवा पद an = a + n-1 × d से प्राप्त होता है। an को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी एपी में m पद हैं, तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l से भी व्यक्त किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एपी के प्रथम n पदों का योग हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एपी है a, a+d, a+2d और ये एपी का व्यापक रूप है, ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इस एपी का nवा पद a + n-1d है। हमने यहाँ माना है कि S AP के प्रथम n पदों के योग को व्यक्त करता है, तब S किसके बराबर हो जाएगा, AP का पहला पद, दूसरा पद, इन सबसे लेके AP के nवें पदों तक का जोड़। पदों को विपरीत क्रम में लिखने से हमें प्राप्त क्या होगा, ये प्राप्त होगा। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनको जोड़ दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2a + n-1 × d हमारे पास n बार आ रहा है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s = n, कॉमन निकाल लिया हमने इसमें से, n सामान्य था सब में तो वो बाहर निकल गया, तो क्या आ गया, 2a + n-1 × d। तो यहाँ से हमारा s क्या आ गया, n/2 गुना 2a + n-1 × d। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पीछे पढ़ चुके हैं इसे an कहते हैं, तो हम इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब यदि किसी एपी में केवल n ही पद हैं, तो an अंतिम पद l के बराबर होगा।
तीसरी इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि s बराबर किसके हो जाएगा, n बाय टू इंटू ए प्लस एल के। परिणाम का यह रूप उस स्थिति में उपयोगी है जब ap के प्रथम और अंतिम पद दिए हों तथा सार मंत्र नहीं दिया गया हो। टिप्पणी, किसी ap का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n माइनस वन पदों के योग के अंतर के बराबर होता है, अर्थात an किसके बराबर होगा, sn माइनस sn माइनस वन के। अब मान लीजिए sn बराबर है एक प्लस दो प्लस तीन और n तक। यहाँ a हमारा क्या है, एक, और अंतिम पद है n, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, मतलब योग क्या हो जाएगा, योग बराबर होगा n गुणा n प्लस वन बटा दो। यदि a b c ap में है तब b बराबर होगा a प्लस सी बटा दो के, और b a तथा c का समांतर माध्य कहलाता है। देखने के लिए धन्यवाद।